अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो इज़ अबाउट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑन फेस फॉर हेल्दी ग्लोई ब्यूटीफुल एंड जंगल लुकिंग स्किन। अच्छा, अगर आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आ रहा, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जितने भी फेशियल करवा लो, कोई रेमेडी कोई प्रोडक्ट का यूज़ कर लो, आपकी स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। और अगर इफेक्ट होता भी है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तो इसके लिए हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मतलब जब भी हम अपने प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मसाज करते हैं तो हमारे लिम्फेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। मसला ये है कि अगर हम अपने ब्यूटी क्लिनिक में या ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं तो हमारे जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो हमारे फेस के ऊपर मसाज करते हैं, जस्ट हमारे मसल्स के ऊपर मसाज करते हैं। हमारे मसल्स के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, जो स्ट्रेस होते हैं, ये उसको रिलीज़ नहीं करते, और उसी टॉक्सिन और स्ट्रेस की वजह से हमारे फेस के ऊपर ग्लो नहीं आता, हमारे फेस की जो हेल्थ है, स्किन की हेल्थ है, वो अच्छी नहीं हो पाती। तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू अपने मसल्स के अंदर जो टॉक्सिन है, जो स्ट्रेस है, उसको अपने लिम्फेटिक से ड्रेन आउट करेंगे, बाहर निकाल फेंकेंगे, तभी हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, हमारी फेस की ब्यूटी इन्हांस होगी, हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को करें हिट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन थम्स अप। एक बात को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेस के ऊपर ग्लो लेके आना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, कि आपका फूड, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आप अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हो, फिर आपका वॉक, एक्सरसाइज, आपका अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनली भी आपको गुड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के बाद ही आप अपने फेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट को, कोई रेमेडी को, या आप किसी भी किस्म के मसाज को करते हो तो उसके आप मतलूबा नतीजे हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ आपने अपना जो अनहेल्दी फूड है, जैसे कि जंक फूड है, या आप स्मोकिंग करते हो, या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो आपने इससे भी अवॉइड करना है, फिर ही आप अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो, ग्लोई बना सकते हो, और यंगर लुकिंग भी बना सकते हो। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।